हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति वारी। प्रीति वारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नई न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी जो कि मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी जाइए, उसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इस पर और भी अमेजिंग ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना कर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टा आई डी प्रीति वारी 24 है, प्लीज़ आकर फॉलो कर लीजिएगा। तो हेयर स्टाइल जो है वो पार्टी वेयर होगा, आप इसको किसी भी पार्टी फंक्शन में आराम से बना सकते हो और बहुत इजी होगा। मैं अपने चैनल पे सारे हेयर स्टाइल बहुत ही कोशिश करती हूँ कि बहुत ही आसानी से आप बना पाओ, बहुत आसान तरीके लेके आती हूँ, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। जिसको नहीं आता है वो भी देख के एक दो बार में ट्राई कर सकते हैं और एक दो बार प्रैक्टिस करने पर आराम से बना लेगा। पहले आप इसको ट्विस्ट कर लो। ये वाले हेयर स्टाइल लोग बताते हैं बट उनमें रबड़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं विदाउट रबड़ का ही ये बता रही हूँ आपको। इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद से फिंगर इंसर्ट करना है बैक साइड से, ओके। फिर ये आपने जो ट्विस्ट किया था उसको बैक साइड में लेके चले जाना है, विदाउट रबड़ बैंड के आपका ये अच्छे से घूम जाएगा। अब आपको इसको बैक में ही यहाँ पे एक क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेना है। आप चाहो तो इसको हल्का हल्का सा खींच के मैसी सा लुक दे सकते हो। आजकल मैसी हेयर स्टाइल्स का ट्रेंड चल रहा है तो आपकी आपकी चॉइस है। अगर आपके फेस पे थोड़ा सा पफी एंड मैसी लुक सूट करता है तो आप जरूर थोड़ा सा खींच के इसको पफ का लुक दे दीजिएगा और बैक में ले जाके क्लिप से इसको सिक्योर कर लीजिए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेना है, ट्विस्ट करना है इसको, अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रबड़ यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से आप अगर इसको नीचे हेयर के अंदर से इस तरीके से इंसर्ट करके निकालते हो, अगर रबड़ नहीं और आपने अच्छे से ट्विस्ट भी नहीं किया है तो ये आपका खुल सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने निकाल लिया और फिर से इसको भी थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे और थोड़ा पफ का लुक देंगे बैक में, यहाँ पर क्लिप की मदद से सिक्योर करेंगे। बहुत ही सुंदर लगेगा, पार्टी में आप ट्राई कर सकते हो। मांगटीका ऐड करना है तो आप पहले मांगटीका ऐड कर लो, उसके बाद से आप ये हेयर स्टाइल बनाना। अब जो आपका साइड का हेयर है इसको लेना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, सिंपल जो हम लोग चोटी बनाते हैं उस तरीके से आपको चोटी बनाना है। आप इसको साड़ी के साथ, गाउन ड्रेस के साथ ट्राई कर सकते हो या फिर आप फंक्शन में, पार्टी में कोई भी ड्रेस यूज पहन रहे हो तो आप ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं दो हेयर स्टाइल बताऊंगी आपको, एक आपको ओपन हेयर के लिए बताऊंगी और सेकंड जो रहेगा वो आप बन बना सकते हो। अगर आप ओपन हेयर रख के कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बन बना सकते हो। तो इस तरीके से इसको ब्राइड बना लेनी है और जो आपने ये क्लिप लगाया था जस्ट इसके ऊपर से लेके जाना है और एक और क्लिप से इसको सिक्योर कर लेना है। ओके, क्लिप के ऊपर से क्लिप को हाइड कर देना है जो पहले आपने क्लिप लगाया था उसको, और सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी बना लेना है। थोड़ा सा हेयर ले, जब आप चोटी गूंथना स्टार्ट करते हो तो इस तरीके से बैक साइड में लेके जाओ क्योंकि फ्रंट से गूंथ के ले जाओगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। और ये चोटी बनाने के बाद से इसको हल्का हल्का से खींचना है ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे आपके चोटी में। ओके, उसके बाद सेम जैसे हमने दूसरी साइड किया था ये क्लिप को हाइड करते हुए एक और क्लिप लेना है, उसको सिक्योर कर लेना। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। आप इसको साड़ी के साथ, सूट के साथ, कोई भी पार्टी फंक्शन है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से आप बना लोगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
सेकंड में आपको इसी के साथ क्या करना है, बन बनाने की बन बना लेना है। उसके लिए आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ। फॉर्म करना है, थोड़ा सा हेयर ऊपर से छोड़ देंगे हम लोग, जिसका यूज हम बाद में करेंगे हेयर स्टाइल बनाने में। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा हेयर छोड़ देना है, जिससे कि आपका जो बन होगा उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इसको यहाँ पे मैं क्लचेस की मदद से यहाँ पे सिक्योर कर दे रही हूँ। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब जो नीचे के हेयर हैं इनमें एक रबड़ लगा लेना है। रबड़ लगा के आपको एक डोनेट बन ले लेना है। आपके ये बहुत पतले बाल हैं तो भी ये वाला हेयर स्टाइल आप आराम से कर सकते हो। अब इस तरीके से जो आपका हेयर है डोनेट बन के चारों तरफ लपेटते जाना है अच्छे से फैलाते हुए, तो आपका पतला और हल्का बाल है कोई भी हेयर स्टाइल समझ भी नहीं आता है। तो आप इस तरीके से सिंपली बना सकते हो और यू पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। दो तीन यू पिन्स लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये सिंपल क्लिप जो होती है वो यूज किया है, क्योंकि इस तरीके सिंपल क्लिप जो यूज करते हैं तो आपका जो हेयर स्टाइल होता है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो मैं एडवाइस दूंगी कि आप सिंपल क्लिप ही यूज कीजिए, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल बिगड़े नहीं और लॉन्ग टाइम तक चले। ओके, तो ये देखिए कितना कम बाल में मेरा इतना बड़ा और हैवी सा बन बन गया है। आप चाहो तो पूरे बालों को लेकर ऐसे बना के छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल बता रही हूँ वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंट और स्टाइलिश लुक चाहिए तो मैंने ऊपर का हेयर खोल दिया है। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इधर के हेयर को सिंपल चोटी बना लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे हेयर स्टाइल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। पूरा इसको अच्छे से गूंथ लेना है चोटी को। मैं अपना माइक घर पे छोड़ आई हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको साउंड में दिक्कत आ रही होगी, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, डोंट माइंड। एंड तक घुटने के बाद से जो हमने यहाँ पे बन बनाया था उसके चारों तरफ इसको लपेट के और बॉबी क्लिप से सिक्योर कर लेना है। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का हेयर लेना है और इसको भी चोटी बना लेनी है। यहाँ से क्रॉस करते हुए जो हमने ये वाला चोटी ले गई थी उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए दूसरी साइड लेके आएंगे। और इस साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको भी बॉबी क्लिप से सेट कर देंगे। जहाँ भी आपका हेयर निकल रहा है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं खुद से बना रही हूँ, आप किसी की हेल्प ले सकते हो और भी फिनिशिंग और अच्छा लुक देने के लिए इसको। और ये हमारा बन बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो फर्स्ट में आप ओपन कर सकते थे, सेकंड में आप पूरे बालों को लेके वन डोनेट बन से पतले हल्के बालों में हैवी बन बना सकते हो, और थर्ड में आप इस तरीके से स्टाइलिश बन बना सकते हो।
तो आपको कैसा लगा हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपका साड़ी के साथ गाउन ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लेयर्स निकालना चाहते हो, अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो लॉन्ग लेयर्स निकाल के उसमें आप कर्ल्स कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।